मेरा रंग संवाद के द्वारा घरेलू हिंसा विषय पर गुरुवार को एक निजी होटल में महिलाओं के कानूनी अधिकार पर पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शालिनी श्रीनेत ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी सिंह, एडवोकेट प्रज्ञा प्रजात सिंह, डॉक्टर चेतना पांडे, शक्ति भवानी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर घरेलू हिंसा महिलाओं के कानूनी अधिकार कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान महिलाओं के कानूनी अधिकार संबंधित जानकारियों को साझा किया गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शालिनी श्रीनेत ने कहा, लड़कियों की दिक्कतों पर बातचीत हो। खड़ा हो रहा है तो भी अभी उत्साह बढ़ाते रहे। एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पर तुम्हें मेकअप करके स्क्रीन पर आना चाहिए। दूसरी तरफ एक जाने माने आर्टिस्ट सीरज जी ने कहा, उनसे जब भी मुलाकात होती थी, इसकी जरूरत नहीं कि तुम मेकअप करके आओ। कई लोगों ने मुझसे फोन पर कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही रहना, बदलना मत। तुम्हारा बात से भी आदमी वो सब बातें भी बता देता है जो वो बताना नहीं चाहता कहीं और। मेरे बस इतना ही परिचय है, जैसा तो शायद सब लोग जानते होंगे, लेकिन क्या क्या आता है शायद मुझे लगता है कि मैं भी नहीं जानती थी। एक दो साल पहले तक नहीं जानती थी, अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है तो मुझे पता चला कि अगर घर में आपका कोई बात पूछनी है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रज्ञा परिजात से पूछनी चाहिए, क्योंकि वो यही काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के सभी सवालों का ठीक ठीक से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने खुला बहुत बड़ा ग्रंथ है। आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हम लड़ रहे हैं, अस्मिता के लिए हम लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये अधिकार, ये अस्मिता आज से ही नहीं है, इसकी लड़ाई आज से ही नहीं है, अभी तो प्राचीन काल से ही चलती चली आ रही है। बहुत सारे पौराणिक प्रसंग आएंगे, मैं बीच में उनका नाम उनका जिक्र जरूर करूंगी। इस समय गृह विज्ञान विभाग में एक प्रोफेसर के द्वार पर कार्यरत हूँ और इस विषय पर मुझे इसलिए आमंत्रित किया गया क्योंकि हमारे कोर्स करिकुलम में हमने जेंडर, वुमेन एंड जेंडर एक पेपर इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो पीजी लेवल पर भी है और हम लोग जेंडर, डोमेस्टिक वायलेंस और महिलाओं से जुड़ी तमाम समस्याओं को प्रश्न पत्र के माध्यम से पढ़ाते हैं। खाली पढ़ाते ही नहीं हैं, गांव में जाते हैं और जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या प्रायोगिक आप कह लीजिए जो पढ़ते हैं, फिर उसको ले जा करके गांव में महिलाओं के बीच में उपस्थित होकर उनसे बातचीत करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार करते हैं। तो जमीन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो अभी यहाँ पर किताबों में जो लिखी है वो तो लिखी है, जो नियम है वो भी लिखे हैं, पर एज अ टीचर आई विल टेल यू व्हेन यू गो ऑन द ग्राउंड बहुत ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियन है। वहां पर हम लोग को लगता है कि जो जेंडर सेंसिटिविटी है यानी जो संवेदनशीलता है एक दूसरे लिंग के प्रति, वो कितनी ज्यादा हमें पहले उसको लाना पड़ेगा। कोई अपना परिवार तोड़ना नहीं चाहता, हम सनातन धर्म, हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हम परिवार में विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। असल मेरा रंग एक वैकल्पिक मीडिया है और उस पे हम अलग अलग विषयों पे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आज का विषय हमारा है घरेलू हिंसा, जो महिलाएं घर में रहती हैं उन पे किस तरह अत्याचार होता है और उससे किस तरह महिलाएं जागरूक हों और क्या क्या उन्हें करना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारे घर में रहने वाले लोग हमें प्रताड़ित करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि घरेलू हिंसा क्या होता है, तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं प्रज्ञा परिजात जी, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं दिव्या, वो भी इस समय देख रहे हैं, बातचीत कर रही हैं, और एक काउंसलर हैं जो लगातार इन सब चीज़ों पे काम किए हैं, शांति भवानी जी वो भी हैं, और हेड ऑफ सोशियोलॉजी भी हमारे साथ हैं लेकिन अभी थोड़ा विलंब हो रहे हैं तो वो भी आएंगे, तो इस पर वो अपना सोशल व्यू रखेंगे।
और एक और दोस्त हैं जो राजनीति से हैं, तो वो राजनीतिक व्यू रखेंगे अपना। महिलाओं को जागरूक करना।